12 जून 1999 की रात वक्त करीब 12:30 बजे बर्फबारी हो रही थी। करगिल का माहौल था, सिर्फ हम 21 जवान साथ थे और ऊंचाई थी 18,500 फीट टोलोलिंग पहाड़ी। ये वही थी जिसके ऊपर पाकिस्तानी सेना ने हमला किया था करगिल युद्ध के दौरान। रात के अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, ऊपर से पत्थर गिर रहे थे, जवान जख्मी हो रहे थे, यह कोई नहीं पता चल पा रहा था कि पत्थर अपने आप गिर रहे हैं या पाकिस्तानी सैनिक गिरा रहे हैं। पहला मिशन टोलोलिंग पहाड़ी पर चढ़ना था। पहाड़ी के सपाट क्षेत्र में हम एक दूसरे के कंधों पर पैर रखकर चढ़ाई कर रहे थे। जब हम आधी ज्यादा टोलोलिंग पहाड़ी पर चढ़ गए तब एक सपाट पत्थर पर चढ़ने के लिए 10 जवान एक दूसरे के ऊपर चढ़े। सोच के देखो और समझ के देखो, क्या 10 जवान एक दूसरे के कंधों पर पैर रखकर चढ़ सकते हैं? लेकिन ये भारतीय जवानों ने 12 जून 1999 की रात में टोलोलिंग पहाड़ी पर चढ़ने के लिए किया। हम नीचे थे और पाकिस्तानी सैनिक ऊपर थे। पाकिस्तानी सैनिकों के वेश में थे आतंकवादी, जिनमें थी क्रूरता, वहशीपन, दहशतगर्दी। भारत के सैनिकों में था हौसला, तिरंगे का सम्मान, वंदे मातरम, भारत माता की जय खून में बह रहा था। हम घबराए नहीं, टोलोलिंग पहाड़ी पर चढ़ गए। ऊंचाई ज्यादा होने के कारण ऊपर कोई आधार नहीं मिला और हम सभी 40 फीट नीचे आकर गिरे। इस दुर्घटना में मेरे 3 दांत टूट गए। हमने फिर हौसला जुटाया और फिर चढ़े। ऑनरेरी लेफ्टिनेंट राम सिंह के मुंह की यह जुबानी है कि 18.5 फीट ऊंची पहाड़ी पर चढ़ लड़ा था युद्ध और फिर 25-26 जुलाई की रात को फहराया था तिरंगा और जीता था करगिल। फतेह, भारत माता की जय।